Now, this is the similar type of problem. Now, you have to find the effective capacitance across AB. ये four capacitors plate हैं और ये इस तरह से connected हैं, right? तो इसका equivalent capacitance निकालने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि कोई confusion नहीं. You first numbering. So this is one, this is two, this is three and this is four. चारों की numbering किए. अब देखिए हमको AB के across effective capacitance निकालना है. तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये होना चाहिए, दिस इज ए, राइट, दिस पॉइंट इज ए, और ये देखना है कि कौन कौन कैपेसिटर कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं. नाउ देखिए, ए प्लेट नंबर टू से कनेक्टेड है, इज कनेक्टेड टू प्लेट नंबर टू, और टू और वन मिलकर के ए कैपेसिटर बना रहे हैं. देखिए ये टू और दिस इज वन, ये मिलकर के टू और वन मिलकर के ये कैपेसिटर बना रहे हैं ऊपर वाला, राइट. वन कनेक्टेड है थ्री से, देखिए ये जो वन है, प्लेट नंबर वन इज कनेक्टेड टू प्लेट नंबर थ्री, तो ये थ्री से कनेक्ट हो गया, राइट. और थ्री और फोर मिलकर के एक कैपेसिटर बना रहे हैं, थ्री और फोर मिलकर के एक कैपेसिटर बना रहे हैं जो यहाँ पर बी से मिल रहा है, राइट, जो यहाँ पर बी से मिल रहा है. हमको ए बी के क्रॉस चाहिए. देखिए ध्यान दीजिए, वन टू थ्री, थ्री कैपेसिटर है, और अभी तक हमने कनेक्ट किया कितने कैपेसिटर को, केवल दो ही कैपेसिटर को, इसका मतलब एक कैपेसिटर मिसिंग है, और वो कौन है, प्लेट नंबर टू और थ्री के बीच में एक कैपेसिटर है. तो देखिए प्लेट नंबर टू जो ए से कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारा प्लेट नंबर टू, ये ए से कनेक्टेड है, और प्लेट नंबर थ्री जो वन से कनेक्टेड है. नाउ दिस इज प्लेट नंबर थ्री विच इज कनेक्टेड विथ वन, तो ये यहां से ऐसे कनेक्टेड हो गया. नाउ दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट, दिस इज द इक्विवेलेंट, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट. अब ये देखिए जाहिर सी बात है, ये कैपेसिटर और ये दोनों पर सबका कैपेसिटेंस तो प्लेट एरिया और ये सबका सेम दिया हुआ है, राइट. तो अगर एक का सी है, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट. यहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए इज एरिया ऑफ प्लेट एंड डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ये गिवन है आपको. तो हमको इक्विवेलेंट सर्किट ये आ गया. अब ये देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में सी और सी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, टू सी. तो दिस इज टू सी, और टू सी के साथ सीरीज में ये सी है, टू सी इन सीरीज विद सी, टू सी इन सीरीज विद सी. देयरफॉर सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम, यानी टू सी इन टू सी डिवाइडेड बाय टू सी प्लस सी, दैट इज थ्री सी. सी सी कैंसिल हो गया, so this will be 2c by 2c by 2 by 3c and this will be the answer. Okay, अब c का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, therefore आंसर क्या हो जाएगा, c equivalent is equal to कितना हो जाएगा, देखिए 2 by 3, 2 by 3, और ये क्या हो जाएगा, c का वैल्यू है epsilon not a by d, right, ये understood है. So this will be the answer. इस तरह के प्रॉब्लम मेडिकल एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं. ओके, थैंक यू.